सभी दोस्तों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को डबल स्टॉप में लिखना सीखेंगे, तो इसके लिए ये मैं आ से शुरुआत कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको डबल स्ट्रोक चलाना पड़ता है ब्रश, तो जब बाहर वाला स्ट्रोक मैं चलाता हूँ तो वो बाहर वाले गोलाई पर ध्यान देता हूँ, जब अंदर वाला स्ट्रोक चलाता हूँ तो अंदर वाला जो गैप वाला भाग है, जो सफ़ेद भाग दिख रहा है, उसकी गोलाई पर ध्यान देता हूँ। इसके अलावा अक्षर की जो मोटाई है वो चारों ओर से बराबर रखने का प्रयास करता हूँ। ये बोल्ड अक्षर लिखने का टेक्निक है। अंदर वाला भाग का जो गैप वाला वाइट भाग है उसका गोलाई पर ध्यान देना है। उसको जब बाहर वाला चलाते हैं तो बाहर वाला का गोलाई पर ध्यान देना है। इसके अलावा अक्षर की मोटाई पर ध्यान देना है, चारों सभी और बराबर होना चाहिए। कहीं हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हो सकता है मोटा पतला, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नज़र नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब है। इसके बाद ये बाएँ से दाएँ का लाइनिंग है, तो उसके लिए आपको लाइनिंग करके रखना होगा। धागा में चोक रगड़ कर आप लाइनिंग कर लेंगे मोटाई के बराबर, और ऊपर से नीचे के लिए आपको अनुमान से ही लाइनिंग करना है इस तरह से। अगर आपको ज़्यादा दिख बहुत बड़ा अक्षर लिख रहे हैं तो आप ऐसे मसूता से धागा से मार्किंग कर सकते हैं। बाद हम लिखेंगे हर सही। मैं ओ के बाद आ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ओ लिख के ही मेरा काम हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह लिखना है, एक सिर्फ आकार दे देने से आ बन जाएगा, इसलिए मैं समय बचाने के लिए अब सीधा हर सही लिख रहा हूँ। तो जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसी तरह का आप टेक्निक का प्रयोग करें। ये देखिए, ये दैना वाला पोर्शन है, तो इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक लेने के बाद हम बाएं ओर से इसको कंप्लीट करेंगे, और बीच वाला जो वाइट भाग का गैप में ध्यान रखेंगे। इसका वही यही टेक्निक है कि जब आप बाहर वाला स्ट्रोक लगाते हैं ब्रश से तो बाहर के फिनिशिंग पर ध्यान दें, और जब अंदर वाला स्ट्रोक लगाएंगे तो वो वाइट भाग को ध्यान में रखें, उसका गोलाई पर ध्यान रखें। तो ये हर सही हो गया। आप दुर्गई लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसी को दुर्गई बना लूंगा तो भी काम चल जाएगा। ये बाहर का स्ट्रोक, ये अंदर का स्ट्रोक, बस यही काम करना है। बाहर स्ट्रोक और अंदर का स्ट्रोक पर ध्यान देना है, बस उसी से ही काम हो जाएगा आपका। उसके बाद हर्षव लिखेंगे, तो हर्षव भी आ की तरह ही लिखना है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है इसमें, ये लकीर पर लिखा जाता है, उसमें लकीर नहीं रहता है आ में। पहले दाहिने से लेना है, फिर बाएं से लेना है, इस तरह से दोनों ओर से जब हम गोलाई करेंगे तब ये वो सही तरह से हमें एम भी मिलेगा और लिखने में भी सही होगा, लिखने में भी सही होगा। तो बाहर और अंदर का स्ट्रोक, बाहर का स्ट्रोक में फिनिशिंग पर ध्यान देना है, अंदर का स्ट्रोक में गोलाई पर ध्यान देना है, बीच का गैप के। बस टेक्निक है इसके फॉन्ट को लिखने का, बोल्ड अक्षर को लिखने का। अंग्रेजी में भी यही टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली में ये एक रिक्वेस्ट वीडियो आया था कि मैं हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को भी ट्रायंगल 3D में लिख करता हूँ, तो
इसके लिए मुझे ये बोल्ड अक्षर लिखना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना डबल स्ट्रोक बोल्ड अक्षरों का एक वीडियो बना लिया जाए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके बाद हम इन अक्षरों को एल 3D में तब्दील करेंगे, उसके बाद फिर बचे हुए अक्षरों को उसके बाद वाले वीडियो में हम लिखेंगे, उसके बाद वाले वीडियो में उन्हें फिर ट्रायंगल 3D में तब्दील करेंगे। इसके बाद और भी है डिजाइन, राउंड 3 मेरे पास है, एक राउंड 3D का वीडियो मुझे बनाना है, उसके बाद वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों बनाऊंगा। उसके बाद SLD का है, तो है अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो मेहनत तो काफ़ी लगता है इसमें। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो अक्षर हैं इनमें से कुछ अक्षर अपने लाइनिंग को क्रॉस करते हैं, जैसे आ है, हर्षे है, ए है, फिर ये रा मैंने लिखा है, एक्चुअली मैं खा लिख रहा हूँ। तो ये सब अक्षर अपने लाइनिंग के बाहर चले जाते हैं, आपको लाइनिंग तो नज़र नहीं आ रहा होगा लाइट के चलते, तो इस पर कृपया ध्यान देंगे। आ का ऊपरी भाग भी लाइन के आउट में जाता है और निचला भाग भी लाइन के आउट में चला जाता है, तो इसलिए उस हिसाब से ही उसको आप मेंटेन करके लिखेंगे। वो ऊपर से शुरू करेंगे, ऊपर बाहर जा रहा है तो कोई बात नहीं है, वो अक्षर ही ऐसा है कि उसको बाहर जाना ही पड़ता है, उसको आप सिर्फ अंदर में लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद गा लिखेंगे, तो गा लिखने के लिए अगर आपको गैप के बारे में कुछ दिक्कत होता है तो आप इस ओर से शुरू कर सकते हैं, बाईं ओर से, ये मैंने बाईं ओर से शुरू किया है इस वाले गा को। समय बचाने के लिए मैं ऊपर वाला लाइनिंग को स्किप करके, यानी कि वीडियो को बंद करके कर लिया है, तो अगर मैं हर चीज़ को अगर वीडियो में लेने का प्रयास करूँगा तो बहुत ही समय लगेगा और आपको देखने में भी बोरिंग लगेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाने का मैं प्रयास करता हूँ। ये जो वाला भाग को ऊपर लेके जाए, अंदर वाला भाग को, ये जो घा लिख रहा हूँ मैं उसको एकदम गोलाई की तरह करते हुए एकदम ऊपर की ओर ले जाए। घा में एक चीज ध्यान देंगे, ये जो लकीर से आके मिला है भाग, वो उस भाग को आप और थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, अंदरूनी भाग जो व्हाइट वाला गैप दिख रहा है उसको और थोड़ा ऊपर घुमा कर ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। चाक को भी वैसा कर सकते हैं या इसे ऐसे भी नीचे में ही ला कर मिला सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन घा में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और लाइनिंग के आउट वाले जो भाग होते हैं, यानी कि छोर होते हैं, उसके नोक पर मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आप नोक निकालना सीख गए तो फिर समझ लीजिए कि आप आधा पेंटर तो बन ही गए हैं, इसलिए ये वाला फॉन्ट, ये स्क्वायर फॉन्ट है, बोल्ड फॉन्ट कहते हैं इसे, तो इसको लिखने के लिए आपको जो छोर में जो पॉइंट निकलता है उसको निकालने की आवश्यकता है।
जिस तरह से मैं ब्रश चला रहा हूँ, एक बार बाएं एक बार दाहिने, तो जब जहाँ तक मैं बाएं दाहिने से चलाता हूँ ब्रश, वहीं तक आप दाहिने से चलाइए, उसके बाद फिर बाएं से चलाइए ब्रश। जैसे मैं अभी जा लिखूंगा तो पहले बाएं और शुरू करूंगा, उसके बाद फिर मैं दाहिने और शुरू करूंगा। इससे क्या होगा कि गोलाई को मेंटेन करने में सुविधा होता है। इसलिए जैसा जैसा मैं ब्रश चला रहा हूँ वैसा ही हर अक्षर में ध्यान देंगे। पहले बाएं से चला रहा हूँ तो बाएं से करना है। देखिए जा को मैं पहले बाएं से शुरू किया, इससे गैप को मेंटेन करने में सुविधा होगा, गोलाई भी सुविधा हो जाएगा। उसके बाद इसे मैं दाहिनी ओर से लूँगा इस तरह से, मैंने एक स्ट्रोक बाईं ओर से दाहिनी ओर से लेना है, एक स्ट्रोक बाईं ओर से लेना है। इस तरह का ये जैसे आप में पहले दाहिनी ओर से लेते हैं फिर बाईं ओर से, वैसा ही अक्षरों में भी करना है। शेष अक्षरों में जहां आपको लगता है कि यहाँ इधर मुझे बाईं ओर जाने में दिक्कत होता है, एक्चुअली में जब दाहिनी ओर से घुमाते हैं ब्रश को तो उसको मेंटेन करने के लिए बाईं ओर से भी ब्रश को लेकर आना चाहिए। सुविधा अनुसार ये काम किया जाता है। उसके बाद झा लिखेंगे हम, ये तो इसमें जो हर्षे ही मैंने लिखा था उसमें नीचे वाला भाग थोड़ा गैप कम होने की वजह से उसका जो पूंछ है वो अच्छी तरह से नहीं किया था, तो इसको आप एक्स्ट्रा डिजाइन इस तरह से दे सकते हैं, इसलिए मैं झा लिख रहा हूँ। मैं तो झा को मैं स्किप करने ही वाला था। इस तरह से इसका जो ये भाग है, ये जो पूंछ है इसका, ये एक्चुअली में खूबसूरती लाता है, तो उसको इस तरह से आप थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। इसलिए आप हर सही में इस चीज को प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ स्पेस कम होने की वजह से एक्चुअली में गैप मैंने थोड़ा कम रखा है अक्षर को बड़ा करने के लिए। इसलिए इसमें मैं, ये तो लास्ट लाइन है तो वहाँ थोड़ा गैप ज्यादा मिल गया, तो उसको मैं अच्छी तरह से लिख पाया है। इसके बाद लिखेंगे यहाँ, तो ये जनरली बहुत प्रयोग में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जब लिखना है तो लिखना है। तो ये लास्ट अक्षर है इस वीडियो का। इसके बाद हम इसे 3D में तब्दील करेंगे। अंत में एक बार मैं फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि ये जो बोल्ड अक्षर हम लिखते हैं, इसके लिए आप जो दो डबल स्ट्रोक ब्रश चलाते हैं, तो जब बाहर वाला स्ट्रोक चलाते हैं तो उसमें बाहर का फिनिशिंग पर पूरा ध्यान देंगे। उसके बाद जब हम अंदर वाला स्ट्रोक चलाएंगे तो अंदर वाले फिनिशिंग, यानी कि जो अंदर में जो वाइट भाग है, ये जो यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे कि के अंदर में जो वाइट भाग नजर आ रहा है उसके गोलाई पर ध्यान देंगे। इसके अलावा अक्षर की मोटाई बराबर होनी चाहिए, इस पर ध्यान देंगे। ये बहुत ही माने बेसिक ट्रिक है, इस पर ध्यान देंगे तो आपको ये जो बोल्ड अक्षर है, चाहे कोई भी अक्षर हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर वो जो आप रेगुलर वर्ड लिखते हैं, रेगुलर फॉन्ट वो हो, उसमें भी ये ट्रिक काम करता है। तो इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। एक दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे फॉन्ट का पूरा कॉपी करने का प्रयास ना करें, आपको अपना फॉन्ट भी इस पर ऐड करना है। आपको जो चीज़ यहाँ हो सकता है कि कोई चीज़ आपको मेरे अक्षर में थोड़ा सा लगता होगा कि इस तरह होना चाहिए, तो आप उस तरह से कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल
को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिंदी साइन राइटिंग सीखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 3D ट्राइंगल 3D के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।